राहुल गांधी के झूठे मुकदमे में फंसाने के विरोध में कांग्रेसी नेताओं ने किया पीएम मोदी का पुतला दहन। न्यूज़ 9 टाइम्स, नरकटियागंज से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। नरकटियागंज प्रखंड मुख्यालय में कांग्रेसी नेताओं द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका गया। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता और संसद में जनता की आवाज़ बनने पर उनके आवाज़ दबाने के लिए मानहानि की केस में सजा दिलवाकर संसद की सदस्यता खत्म कर लोकतंत्र का अपमान किया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार सत्ता के नशे में अंधी हो गई है और पूरा देश का खजाना अडानी के हवाले कर रही है। जब राहुल गांधी के द्वारा सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है जो कहीं से लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। न्यूज़ 9 टाइम्स। आज जो है कि नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है और सड़क को जाम किया गया है, किस संदर्भ में इस कार्यक्रम को किया गया है? जो सदस्यता उन्होंने जो भंग कराई है, जो तानाशाही वो कर रहे हैं और हमारे बोलने की आवाज़ पे भी हमला कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग आज पुतला दहन मोदी जी का कर रहे हैं और ये चलता रहेगा। सड़कों पे हम लोग उतर चुके हैं और 2024 में इसका जवाब उनको मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा पांडे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद।